बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम शोर एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम शोर किसको कहते हैं। शोर का मतलब होता है साहिल, यानी कि जो किनारे पे होते हैं। साहिली जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शोर लाइन हैबिटेट्स को डिस्कस करेंगे कि शोर लाइन हैबिटेट्स हम किसको कहते हैं। शोर लाइन हैबिटेट्स आर रेफर टू एज कोस्टल इकोसिस्टम, ठीक है। कोस्ट यानी कि इसमें हम साहिली जो इकोसिस्टम होगी उसको डिस्कस करेंगे। आर ऑफन फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू रॉकी इंटरटाइडल सैंडी एंड वेटलैंड इकोसिस्टम। अब इसमें हम रॉकी इंटरटाइडल सैंडी शोर लाइन, उसके अलावा जो वेटलैंड इकोसिस्टम होता है, ये सब इसकी हैबिटेट्स में आते हैं। द कंडीशंस विद इन ईच इकोसिस्टम वेरीज देयर फॉर क्रिएटिंग स्पेसिफिक इन्वायरमेंट इन विच क्रिएचर मस्ट बी अडेप्टेड टू सर्वाइव। अब जब हम हर इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक उसकी क्रिएचर होती है। जैसे अगर साहिल की बात करें तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक क्रिएचर होगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डीप सी एनिमल्स की, तो वहाँ पर कुछ और तरह के एनिमल्स होंगे। तो इस तरह हर इन्वायरमेंट में, हर इकोसिस्टम में एक स्पेसिफिक क्रिएचर होती है। रॉकी इंटरटाइडल जोन, रॉकी इंटरटाइडल जोन हम कहते हैं। सबसे पहले तो आपको पता हो कि इंटरटाइडल किसको कहा जाता है, ठीक है। द एरिया अलॉन्ग आवर कोस्ट लाइन्स वेयर लैंड एंड सी इंटरसेक्ट इज नोन एज द इंटरटाइडल जोन। यानी कि हम कहते हैं वो एरिया जहाँ से लैंड और सी मिल रहे हों, उसको जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको इंटरटाइडल जोन कहा जाता है। यानी कि द एरिया बिटवीन द हाई एंड द लो टाइड लाइन, टाइड हम लहरों को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरटाइडल जोन को सी शोर भी बोला जाता है, उसके अलावा इसको फोर शोर भी बोला जाता है कि द एरिया अबव वाटर लेवल एट लो टाइड एंड अंडर वाटर एट हाई टाइड। एनिमल्स ऑफ इंटरटाइडल कम्युनिटीज एक्सपीरियंस डेली फ्लक्चुएशन बिटवीन मेरीन एंड टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स। अब जो एनिमल्स हैं जो इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, वो डेली मेरीन और टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट की उनमें फ्लक्चुएशन होती रहती है। इसके अलावा अटैच टू रॉकी इंटरटाइडल सबस्ट्रेट्स आर पेरीविंकल्स। अब ये हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जो यहाँ पे जो इंटरटाइडल सबस्ट्रेट्स हैं उनके साथ अटैच हुए होते हैं। जो रॉकी इंटरटाइडल सबस्ट्रेट हैं उनके साथ कौन से एनिमल्स अटैच हैं, दैट इज़ द पेरीविंकल, बार्नकल्स, मसल्स, ये सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। हुज एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डेसिकेशन एंड फिजिकल एब्रेशन बाय वेव्स। और इन सब के जो एक्सोस्केलेटन है वो ज़रा हार्ड होती हैं, और उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो उनको प्रोटेक्ट करता है कि वो डेसिकेशन से बचा सके, उसके अलावा उनको फिजिकली कोई चोट ना पहुंचा सके। उन लहरों की वजह से, उन वेव्स की वजह से उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो जो है वो एक हार्ड है, और उसके अलावा इनको प्रोटेक्ट भी करेगा। These attached forms are consumed by marine gastropods and the sea stars. उसके अलावा यहाँ पर marine gastropods भी होती हैं, sea stars भी हैं, ठीक है। ये कंज्यूम होते हैं किससे, gastropod और sea star जो है वो इनको कंज्यूम करते हैं, को खा लेते हैं। इसके अलावा interactions between physical stresses, predation and interspecific competition often produce visibly distinct bands. अब ये physical stresses, इंटरस्पेसिफिक कंपटिशंस जो होते हैं, ये विजिबली जो है डिस्टिंक्ट बैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे पेरीविंकल्स की अगर बात करें तो पेरीविंकल्स डोमिनेट ऑन द मोस्ट एक्सपोज्ड रॉक। जो पेरीविंकल होता है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हो रहा होता है रॉक, उस पर डोमिनेट होता है, जबकि जो बार्निकल्स है वो इंटरमीडिएट एरियाज में होते हैं। उसके अलावा जो मसल्स हैं वो जो सबमर्ज सर्फेसिस होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं ज़रा डूबी हुई होती है, सबमर्ज हम कहते हैं डूबा हुआ, ठीक है। तो ये वहाँ ये एरियाज़ बताए हुए कि पेरीविंकल यहाँ पर डोमिनेंट है, बार्निकल्स यहाँ पर डोमिनेंट है, और मसल जो हैं ये यहाँ पर डोमिनेंट है। डिप्रेशन इन द रॉकी सर्फेस ऑफन प्रोड्यूस टाइडल पूल्स आइसोलेटेड और अदरवाइज एक्सपोज्ड शोर। अब कुछ डिप्रेशन भी होते हैं रॉकी सर्फेसिस की बात करें तो, वो डिप्रेशन होते हैं जो कि टाइडल पूल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो टाइडल पूल्स हैं ये किसको सपोर्ट करते हैं, ये टाइडल पूल्स जो हैं ये सपोर्ट करते हैं एनिमॉन्स, कॉरल्स, ट्यूनिकेट्स, के अलावा बाकी और फर्दर इसमें एनिमल्स आ सकते हैं। जहाँ पर जो एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं किसमें, उन टाइडल पोल्स में पाए जाते हैं। वो टाइडल पोल्स आखिर क्या है, वो किस तरह प्रोड्यूस हुए, वो उन रॉक्स में जो डिप्रेशन बन जाता है उनको हम टाइडल पोल्स बोल रहे हैं, और वहाँ पर ये सारे ट्यूनिकेट्स, एनिमॉन्स, कॉरल्स वगैरह पाए जाते हैं। अटैच रिवर्स
सीवियर्स आर ऑफन इंटरसेप्टेड अमंग रॉकी इंटरटाइडल फानास, ठीक है। रॉकी इंटरटाइडल फानास जो हैं ये कहाँ पर अबंडेंट होते हैं? नॉर्दर्न अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो है ये यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट सी कौन है, लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो सी है वो अरेबियन सी है, ठीक है। अब हम उन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे जो शोर एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटल स्टार की। ब्रिटल स्टार बिलोंग्स टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इसमें जो है सन स्टार भी आती है। तो यहाँ पर अब हम ब्रिटल स्टार को डिस्कस करते हैं। ब्रिटल स्टार्स आर नॉट फिश, दैट इज़ नॉट फिश एट ऑल, बट आर इकाइनोडर्म, ठीक है। ये फिश नहीं है, ये एक इकाइनोडर्म है, लेकिन ये सी स्टार की रिलेटिव है, ठीक है। डिस्टिंक्टली रिलेटेड टू सी स्टार, तो बिल्कुल उसी तरह की दिखाई देती है जैसे एक सी स्टार दिखाई देती है। कुछ जो है वो स्विम करती हैं, कुछ जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रिंग रही हैं, उन सी बेड पर रिंग रही हैं, क्रॉल कर रही हैं अपने उन फ्लेक्सीबल आर्म्स की मदद से। उसके अलावा इनके 5 arms होते हैं जो कि कांटे उन पर लगे हुए होते हैं, कवर्ड विद स्पाइंस। देयर नेम रेफर्स टू हो इजीली देयर आर्म्स विल फिल फॉल ऑफ एंड टस्ट, ठीक है। तो इसके नाम से पता चलता है कि ये किस तरह अगर हम उस किसी आर्म को जो है टच करते हैं तो वो किस तरह फॉल ऑफ हो जाता है। इट कैन आल्सो कास्ट ऑफ एन आर्म इफ इट इज इंजर्ड, दैट इज नॉट प्रॉब्लम फॉर देम, इट कैन ग्रो अनदर आर्म। ब्रोकन आर्म हैज़ अ पीस ऑफ द सेंट्रल डिस्क अटैच्ड। अब क्या होता है कि इनके जो आर्म है ना, इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल डिस्क होती है जिसके इर्द गिर्द वो आर्म अटैच हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेंट्रल डिस्क है, इसके इर्द गिर्द वो 5 जो आर्म होंगे वो अटैच हुए होंगे, ठीक है। तो अब अगर एक इंजर्ड हो जाता है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि दोबारा से जो आर्म इंजर्ड हुआ है वो उधर से हट जाएगा, दोबारा से वहाँ पर रीग्रो हो जाएगी, दोबारा से वो आम बन जाता है। अगर हम इनकी खुराक की बात करें तो ये प्लैंकटन और डेट्रिटस को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, डिकिंग मैटर को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, विच दे पुट इन टू देयर माउथ। अब क्या करते हैं कि ये इनको अपने मुंह में रखते हैं, अ होल विच दे आल्सो यूज टू एक्सक्रीट फॉर्म, वहाँ पर एक होल होता है जो इसको यूज़ करता है एक्सक्रीट फॉर्म इन शैलो वाटर। अब शैलो वाटर की अगर बात करें, शैलो बेसिकली कहा जाता है जो सतही होते हैं, सतह पे, ठीक है, सतह बोलते हैं शैलो को। दे आर मोर एक्टिव एट नाइट टू अवॉइड प्रीडेटर, ठीक है। तो ये ज़्यादातर रात के टाइम एक्टिव होते हैं प्रीडेटर से बचने के लिए। उसके अलावा ये डार्क सर्विसेज में, जो दिन के टाइम ये डार्क सर्विसेज में छुपे रहते हैं ताकि कोई प्रीडेटर इनको ना देख सके। दे आर ऑफन ईटन बाय देयर रिलेटिव टू द कॉमन स्टार फिश, ठीक है। और इसके जो रिलेटिव कॉमन स्टार फिश है वो इसको खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्रिटल स्टार की डायग्राम है, बिल्कुल इसी तरह का ब्रिटल स्टार दिखाई देता है। ये इसकी बात करते हैं इसकी सेंट्रल डिस्क की, और यहाँ पर ये आर्म्स हैं, और हमने बात की थी कि इसके ऊपर स्पाइंस लगे हुए होते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख लें, ये कांटे नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये जो इसके आर्म है ये स्पाइन से कवर्ड हुए हुए होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं बार्निकल्स की। बार्निकल्स एंड एक्रॉन बार्निकल्स आर बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब बार्निकल्स हम किसको कहते हैं? The upper shore is usually dominated by barnacles, particularly the acron barnacle. The crustacean starfish has teeny larvae, ठीक है, ये tiny larvae हैं floating in the sea with the plankton and most come to rest in the intertidal area of rocky shore. अब क्या होता है कि ये जब इन्होंने rest करना होता है तो ये intertidal area जो है rocky shore का वहाँ पर आ जाते हैं। उसके अलावा अगर वैसे बात करें तो ये बिल्कुल टाइनी लार्वा की तरह, जैसे क्रस्टेशियंस अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एक टाइनी लार्वा की तरह, और वो फिर वहाँ पर सी में फ्लोटिंग करते हैं, तैर रहे होते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। एंड सीमेंटिंग देमसेल्व्स फर्मली टू द रॉक। एक तो ये इंटरटाइडल एरिया जो है रॉकी शोर वहाँ पर आ जाते हैं, दूसरा वहाँ पर उन रॉक्स में खुद को चिपका लेते हैं फर्मली, ठीक है। उसके अलावा व्हेन एक्सपोज टू द एयर द बार्निकल क्लोजेज इट्स ओपनिंग विद अ हिंज ट्रैप डोर लाइक अपरक्यूलम। अब यहाँ पे ये जो बार्निकल है, जब ये हवा में एक्सपोज होते हैं तो ये जो बार्निकल हैं ये क्या करते हैं, क्लोजेज इट्स ओपनिंग विद अ हिंज्ड ट्रैपडोर लाइक अपरक्यूलम। तो ये जो इसकी हिंज्ड ट्रैपडोर लाइक इसका अपरक्यूलम है, उसको उसकी ओपनिंग को ये क्लोज करते हैं, ठीक है। अब ये ट्रैपडोर आखिर क्या चीज़ है? ट्रैपडोर अक्सर आपने देखा होगा, जैसे आपने किसी फर्श में दरवाज़ा देखा होगा ना, जैसे अक्सर जो वुडन हाउसेज होते हैं, जैसे हम हमारे तो घरों में ऐसा नहीं है कि हमारे जो फर्श में भी दरवाजे हों, तो बिल्कुल जैसे बेसमेंट अक्सर
आपने देखा होगा कोई डॉक्यूमेंट्री या कुछ इस तरह, या किसी का वुडन हाउस है या मे भी किसी के घर हो, तो वहाँ पे फर्श में बिल्कुल एक डोर लगा होता है जिसकी मदद से नीचे अगर कोई रूम है तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो फर्शी दरवाज़ा जो होता है उसे ट्रैप डोर बोला जाता है, ठीक है। दिस इज मेड ऑफ़ टू लाइमी प्लेट्स। अब ये बिल्कुल दो लाइमी प्लेट्स से मिलकर बनी होती है और वो जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुई होती हैं, जो कि इसकी क्या करती हैं, इसको प्रोटेक्ट करती हैं, इसकी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करती हैं। When covered by the sea, the periculum opens. जब वो हवा में गया तो उसने अपने परिकुलम को क्लोज कर दिया, लेकिन जब वो सी में था तो उसने अपने परिकुलम को ओपन कर दिया, ठीक है। एंड सिक्स पेयर्स ऑफ फिदरी लेग्स, और इसके हम बात करें अगर लेग्स की तो सिक्स पेयर्स हैं फिदरी लेग्स के, द इक्विवेलेंट ऑफ अदर क्रस्टेशियन लग, बिल्कुल ऐसे जैसे बाकी क्रस्टेशियन लेग्स के होते हैं। अपीयर एंड फिल्टर आउट पार्टिकल्स ऑफ फूड, और फिर ये क्या करते हैं उनसे, ये जो भी कोई फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करते हैं। ये जैसे आपको ये पिक्टोरियल व्यूज का नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने बात की कि इसके फिदरी लेग्स हैं, सिक्स पेयर्स हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें इसकी लेग्स वाजह तौर पर नज़र आ रही हैं, बिल्कुल ये इसी तरह का दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं एक्रॉन बार्निकल की। तो एक्रॉन बार्निकल हम कहते हैं द बार्निकल थ्राइव्स इन एक्सपोज्ड कंडीशन हाई अप द शोर। अब क्या होता है कि ये एक्सपोज्ड कंडीशन में जो है ये नज़र आ रहा होता है। उसके अलावा बट इवन हेयर इट इज़ नॉट सेफ फ्रॉम प्रीडेटर, उसके अलावा भी ये प्रीडेटर से सेव नहीं होता, ठीक है। एक तो ये शोर में जो हाई एक्सपोज एरिया है वहाँ पर पाया जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये सेव नहीं है। उसके अलावा ये फेवरेट प्रे है, किसका फेवरेट प्रे है, डॉग वैग का फेवरेट प्रे है। अब डॉग वैग बिल्कुल एक स्नेक लाइक है, ठीक है, स्नेक लाइक हम इसको कहते हैं, स्नेक लाइक की तरह का ये दिखाई देता है। विच वांडर्स अप फ्रॉम द मिडल शोर टू अटैक द बार्निकल्स। अब ये क्या होता है कि ये मिडल जो शोर है वहाँ से निकलता है और फिर वहाँ से ये बार्निकल्स पर अटैक कर देता है। द वैक आल्सो अटैक्स अदर मोलस्क्स, मोलस्क पे भी अटैक करता है, लिम्पेट पे भी अटैक करता है, बट इधर प्रोड्यूसिंग अ शेल डिसॉल्विंग एसिड विच मेक्स अ होल इन द शेल। अब ये किस तरह अटैक करता है कि इसमें ना इसकी जो शेल है वो प्रोड्यूस करती है एक एसिड, ठीक है, और फिर वो उस बाकी जब ये अटैक करता है, जैसे बार्निकल है तो बार्निकल के जो शेल है उसमें होल हो जाता है, और फिर जब वो होल हो जाता है बिल्कुल एक जैसे बोरिंग अ होल थ्रू द शेल यूज इट्स रफ बेल्ट लाइक टंग, तो वो जो उसकी बेल्ट लाइक टंग होती है उसकी मदद से उसमें कुछ एसिड होते हैं जो उस टंग की मदद से उसमें वो इंजेक्ट कर देती है उस शेल में, और फिर इस तरह होल हो जाता है और फिर वो जो है उसको अपना शिकार बना लेती है। द फ्लैश इज देन सक्ड आउट इफ़ यू फाइंड एन एम्प्टी लिम्प शेल विद अ स्मॉल नीट होल इन इट, दिस इज़ द वर्क ऑफ द डॉग वर्क। अब अगर आप देखें ना किसी लिम्प शेल को, एम्प्टी लिम्प्ड शेल को, लिम्पेड शेल जो होते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल अंदर से एम्प्टी दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर से जो भी फ्लैश जो भी गोश्त होता है वो सारा तो ये डॉग वर्क जो है वो खा चुके होते हैं। तो द डॉग वर्क इट सेल्फ मे बी अटैक्ड बाई क्रैब्स एंड हेरिंगुल्स। तो जो हमने एक्रॉन बार्निकल और बार्निकल की बात की, उनको कौन खाता है, उनको डॉग वेल्क खाते हैं, लेकिन डॉग वेल्क को कौन खाता है, उनको क्रैब्स और हेरिंग गुल्स उन पर अटैक करते हैं। तो ये कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हर्मिट क्रैब्स की, ठीक है। तो हर्मिट क्रैब्स दे आर आल्सो बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोस्ट इनहैबिट शेल्स दैट आर 1 inch टॉल और स्मॉलर। ये अगर हम इसकी साइज़ की बात करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस तरह हेडिंग्स बना के अगर पेपर में आप लिखें तो एक वो ज़्यादा अच्छी लुक देता है, ठीक है। तो आप इस तरह अगर लिखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप हेडिंग्स देकर पेपर में अटैम्प्ट करें। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे हर्मिट क्रैब्स की। तो हर्मिट क्रैब्स की अगर शेल की बात करें तो ये तकरीबन 1 inch टॉल होता है और बहुत स्मॉलर होता है। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल 1 inch की जितना और छोटा सा हमें दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ये रॉक इंटरटाइडल पे रहते हैं, अंडर वाटर और अंडर रॉक्स एट लो टाइड वहाँ पर ये रह रहे होते हैं। और अगर इनकी फूड की बात करें कि ये क्या खाते हैं, तो ये प्राइमरली इनकी खुराक एल्जी है, लेकिन ये प्लांट्स और एनिमल मटेरियल को भी जो होते हैं खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके अपीयरेंस की बात की जाए, द क्रैब्स हैव नो हार्ड कवरिंग टू देयर बॉडीज़। तो इन क्रैब्स की कोई भी हार्ड कवरिंग नहीं होती, दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय लिविंग इन द शेल्स ऑफ अदर मोलस्क। और ये खुद को बचाते हैं किस तरह, बाकी अगर मोलस्क की बात करें उनके शेल्स में रह लेते हैं और इस तरह खुद को बचा लेते हैं। इफ़ द क्रैब इज़ इनएक्टिव, अगर तो क्रैब इनएक्टिव हो, ऑल दिस विल बी सीन इन द शेल वैन एक्टिव, ठीक है, अगर वो इनएक्टिव हो तो वो हमें बिल्कुल एक शेल की तरह का नज़र आता है कि जैसे शेल हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर वो क्रैब एक्टिव हो
वेन एक्टिव द क्रैब्स हैड एंटीना पिंसर्स वॉकिंग लेग्स विल एक्सटेंड आउट ऑफ द शेल। अगर वो एक्टिव है तो उसके ये एंटीना पिंसर हेड वगैरह उसके शेल से बाहर हमें एक्सटेंड हुए दिखाई देंगे। अगर इनएक्टिव है तो वो बिल्कुल एक बंद शेल की तरह दिखाई देता है। एज द क्रैब ग्रोज इट नीड्स टू फाइंड अ लार्जर शेल। दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लीव एम्प्टी शेल्स इन द इंटरटाइडल एंड नॉट कलेक्ट देम टू एट होम। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एम्प्टी शेल्स को वहीं पर छोड़ जाते हैं इंटरटाइडल पे, उनको अपने साथ घरों में लेकर नहीं जाते। जैसे अगर बाकी हैं वो अपने शेल को जैसे वहाँ पर उनके शेल रह जाते हैं तो उनको वहाँ से नहीं उठाया जाता, वो वहीं पर ही रहते हैं। तो इस तरह ये जिस तरह क्रैब्स है वो उनको अपने जो है प्रीडेटर से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न है इसकी। अब हम लिम्पिड लाइफस्टाइल की बात करेंगे। लिम्पिड लाइफस्टाइल बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का। तो लिम्पिड क्या है? लिम्पिड आर परहैप्स द मोस्ट वेल अडेप्टेड ऑफ ऑल मेरीन स्नेल्स फॉर अ लाइफ ऑन द एक्सपोज्ड रॉक सर्फेसेस। ये बिल्कुल एक मेरीन स्नेल्स हैं। उसके अलावा हर लिम्पिड का अपना एक घर होता है, एन एग्जैक्ट स्पॉट ऑन द रॉक वेयर इट स्टेज विद द टाइड इज आउट। और ये कहाँ पर ज़्यादातर रहती हैं? जहाँ पर टाइड जो है वो इतनी नहीं होती, टाइड वहाँ से जो है वो वहाँ से आउट हो, व्हेन द टाइड इज़ आउट, तो ठीक है वहाँ पर ये ज़्यादातर रहती हैं। अगर सॉफ्ट रॉक की बात करें तो सॉफ्ट रॉक में क्या होता है कि लिम्पिड ग्राइंडर्स विद इट्स शेल टू मेक एन एग्जैक्ट फिट ऑन हार्ड रॉक। अब ये अच्छा, सबसे पहले हम सॉफ्ट रॉक की बात करेंगे फिर हार्ड रॉक की बात करें। तो सॉफ्ट रॉक पे ये किस तरह अपना होम बना लेती है, वहाँ पे ये खुद के जो लिम्पिड है ये अपने शेल को वहाँ पे बिल्कुल इसी तरह फिट कर लेती हैं कि उनको कोई भी अगर लहर आती है तो वहाँ से वो ना मूव कर सके। लेकिन अगर हार्ड रॉक की बात करें, द शेल इज़ ग्राउंडेड डाउन टू फिट दी रॉक्स शेप। इस तरह ये रॉक जो सॉफ्ट रॉक है हार्ड रॉक है वहाँ पर इस तरह ये जो है खुद को फिट करती हैं। ठीक है, तो हार्ड रॉक में जो शेल को ग्राउंड डाउन करती है, जबकि सॉफ्ट रॉक में उसने क्या किया, खुद जो है लिम्पिड उसके साथ एग्जैक्ट फिट हो जाता है। द टाइट फिट अलाउज द लिम्पिड टू ट्रैप अ स्पून फुल ऑफ वाटर इनसाइड टू स्टॉप इट ड्राइंग अप। अब ये जो लिम्पिड है ये जिस तरह स्पून में पानी भरते बिल्कुल इसी तरह अपने अंदर पानी को ट्रैप कर लेता है ताकि ये बच सके, पानी अगर ना भी हो तो ये ड्राई होने से बच सके। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फुट मसल गेट्स अ फेम ग्रिप ऑन द रॉक। अब इसके जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं वो जो लिम्पिड के स्ट्रॉन्ग मसल्स जिसके फुट हैं वो बिल्कुल रॉक को ग्रिप की तरह पकड़ सकते हैं कि उसको कोई भी बर्ड या कोई भी अगर उसको वहाँ से हटाना चाहे तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ग्रिप होती है रॉक पर। तो ये इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे रॉक नज़र आता है ना, तो बिल्कुल हमें ऐसे नज़र आ रहा है जैसे एक चट्टान है। तो ये इसकी शक्ल भी कुछ इसी तरह की है। अगर तो कवर किया हो टाइड ने रॉक को या फिर वेट कूल वेदर हो, द लिम्पिड्स लीव देयर बेस एंड वांडर अबाउट ग्रेजिंग एर यंग सीड्स। ठीक, वहाँ से ये जो है ये चले जाते हैं लिम्पिड्स वहाँ से। उसके अलावा विच हैव स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन द रॉक सर्फेस, फिर वो उन जो रॉक सर्फेस है उनकी जो है बेस पे हम कहें या फिर जो वहाँ पर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, रॉक सर्फेस पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। बिफोर द टाइड गोज आउट ईच लिम्पिड रिटर्न टू इट्स ओन होम। और जब लहरें जो टाइड है वो वहाँ से चली जाएंगी तो फिर वो वापस अपने होम में चले जाएंगे। ठीक है, अगर तो टाइड हैं वहाँ पर रॉक पे तो ये उसकी सर्फेस पे चले जाएंगे, लेकिन अगर वापस वहाँ पे टाइड जो है वो गुजर चुकी होंगी तो वापस ये अपने होम में चले जाते हैं। उसके अलावा और अगर हम पढ़े मोलस्क के बारे में, अपार्ट फ्रॉम द डॉग वेल्स एंड लिम्पिड्स, ठीक है, डॉग वेल्स और लिम्पिड्स के अलावा सेवरल अदर मोलस्क लिव इन देयर इंटाइडल जोन। मोलस्क ऑफ द रॉकी शोर आर मोस्टली यूनिवर्ल्ड। ठीक है, मोस्टली जो यूनिवर्ल्ड होती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि विल वाइल दोज ऑफ द सैंडी शोर आर मोस्टली बाइवल्व। अच्छा, यहाँ पर बताया हुआ है कि जो सैंडी शोर हैं वो मोस्टली बाइवाल्व्स होती हैं। ठीक है, यूनिवाल्व हम कहते हैं कि वन शेल हो। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जिनका एक शेल होता है लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके पास दो शेल होती हैं जैसे कि कुकल। द बाइवाल्व्स कैन ग्रो डाउन इनटू द सैंड फॉर सेफ्टी। ठीक है, तो ये सैंड पे सेफ्टी के लिए जाती है, बट द यूनिवाल्व्स बीइंग अनएबल टू बोरो इनटू द रॉक। लेकिन जो यूनिवॉल्व होती है वो रॉक वगैरह पे नहीं जाती, ये अनेबल होती है, हैव स्ट्रॉन्ग शेल्स विद एन अपरक्यूलम। वो इसलिए क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग शेल्स होते हैं, ठीक है, अपरक्यूलम होता है और ट्रैप डोर अटैच टू द फुट मसल्स। ये सारी इनकी अडेप्टेशंस हैं इनकी, ये सारी इनमें कि मोलस्क में बाइवाल्व और यूनिवॉल्व जो होती है उसमें क्या फ़र्क होता है।
अब हम बात करते हैं स्मॉल पेरीविंकल के बारे में, दे आर आल्सो मोलस्क अप इन दी स्प्लैश जोन। तो जब हम बात करेंगे स्मॉल पेरीविंकल की, अप इन दी स्प्लैश जोन द स्मॉल पेरीविंकल इज फाउंड, तो यहाँ पर हम बात करें इसकी कि यहाँ पर पेरीविंकल पाई जाती हैं स्प्लैश जोन, ये क्योंकि जोन्स डिफरेंट हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये भी जो पेरीविंकल है ये बेसिकली एक जो है स्नेल की स्पीशी है, और अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ये लिटोरिनिडाए की फैमिली से बिलोंग करती है, फैमिली लिटोरिनिडाए, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी बॉडी की, तो वो किस तरह है, स्मूथ है, ऑलमोस्ट ब्लैक होती है, 4 to 6 हम बात करते हैं कि 4 to 6 millimeter शेल है, एंड इट्स ऑलमोस्ट अ लैंड एनिमल, ठीक है। ये ज़्यादातर लैंड एनिमल है, लाइकन्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है, एंड बीइंग एबल टू ब्रीथ एयर। हाउएवर द फीमेल्स हैव टू रिलीज देयर एग्स इनटू द सी एट हाई टाइड सो द लार्वा कैन लिव अमंगस्ट द प्लैंकटन। लेकिन जो इसके फीमेल्स होती हैं वो सी में अपने एग्स को रिलीज कर देती हैं हाई टाइड्स में, जब बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स होती हैं, तो जो उनका लार्वा होता है वो वहाँ पर उन प्लैंकटन्स के साथ जो है वो रह सकता है। तो ये कुछ इस तरह की जो है स्मॉल पेरीविंकल इस तरह नज़र आती हैं। अब हम बात करेंगे रफ़ पेरीविंकल, तो ये डिफरेंट पेरीविंकल की जैसे स्पीशीज आप कह लें, तो पहले स्मॉल पेरीविंकल, अब रफ़ पेरीविंकल। द लार्जर रफ़ पेरीविंकल विद इट्स डीपली ग्रूव्ड शेल इज़ वेल अडेप्टेड फॉर सर्वाइविंग ऑन दी अपर शोर, ठीक है। तो ये एक डीपली ग्रूव्ड शेल होते हैं इनके, और ये अपर शोर में रहते हैं। उसके अलावा ये ब्रीथ नहीं करते एटमॉस्फेरिक एयर में जैसे कि स्मॉल पेरीविंकल करते थे। इट इज़ ऑफन फाइंड थ्राइविंग द मिडल शोर टू, तो ये ज़्यादातर हम इनको मिडल शोर में भी ये पाए जाते हैं। उसके अलावा अनलाइक द अदर सी स्नेल्स द रफ पेरीविंकल प्रोड्यूस लिव मिनिएचर स्नेल्स, मिनिएचर कहा जाता है स्मॉल, ठीक है। जो रफ पेरीविंकल होते हैं ये स्मॉल मिनिएचर स्नेल को प्रोड्यूस करते हैं, सो इट इज़ ऑलमोस्ट सेट फॉर अ लाइफ टोटली ऑन दी लैंड। अब फ्लैट पेरीविंकल की बात करें, तो फ्लैट पेरीविंकल स्लाइटली लार्जर होते हैं रफ से, और इनके पास स्मूथ शेल होता है, और इनकी अगर बात करें बॉडी की, तो वाइट टू ब्लैक होती है शेड्स में, येलो रेड एंड ब्राउन होती है, डिफरेंट होते हैं इसमें कलर्स। इट लिव अमंग्स द रैक्स ऑफ द मिडिल शोर, और अगर हम बात करें रैक्स ऑफ द मिडिल शोर, तो ये यहाँ पर पाई जाती है लुकिंग लाइक द ब्लैडर्स, बिल्कुल ब्लैडर्स की तरह दिखाई देती हैं। ब्लैडर्स हम कहते हैं एयर फील्ड बबल्स ऑन दी फ्रॉन्ट्स, ओके। उसके बाद द फीमेल स्टिक्स जेली लाइक एग मैसेज, यहाँ पे क्या है कि जो फीमेल होती है वो क्या करती है, स्टिक जेली लाइक एग मैसेज अंडर नीथ दी फ्रॉन्ट्स, तो बिल्कुल एक जेली लाइक एग मैसेज जो होते हैं उनको ये रिलीज करती है। एंड वन मंथ लेटर, और एक माह बाद द बेबी स्नेल्स च्यू देयर वे आउट ऑफ दी जेली, ठीक है। और एक महीने के बाद बिल्कुल वो जो बेबी होता है वो उस जेली से जो है वो बाहर आ जाता है। हाँ, इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर एक और चीज़ बतानी है कि ये जो रैक्स है ना, ये जो मैंने रैक्स पढ़ा है, ये बेसिकली क्या होता है कि रैक्स बिल्कुल एक जैसे आप कह लें मेरीन वेजिटेशन जो होती हैं, जो मेरीन उसमें हम कहते हैं जो भी वहाँ पर मेरीन में प्लैंकटन वगैरह जो भी वेजिटेशन होती है ना, रैक्स हम उसको बोलते हैं। अब हम बात करेंगे एडिबल पेरीविंकल की, तो एडिबल पेरीविंकल क्या होता है कि द एडिबल जो है ये कॉमन पेरीविंकल है, ये लार्जेस्ट विंकल है, अबाउट 3.5 सेंटीमीटर विद अ मोर पॉइंटेड शेल। इसके अलावा ये अपर और मिडल शोर में पाया जाता है, बाय रॉक्स में पाया जाता है, उसके अलावा बीनीथ रॉक्स जो है रॉक्स के नीचे भी पाया जाता है, सीवर्ड्स में भी पाया जाता है। ऑल्दो द विंकल्स आर द मोस्ट कॉमन मोलस्क, और ये बहुत कॉमन मोलस्क है, टॉप शेल्स में आल्सो बी फाउंड हेयर एंड दी लोअर शोर टू। अब टॉप शेल्स भी हैं, उसके अलावा ये टॉप शेल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एडिबल पेरीविंकल, तो ये बिल्कुल एडिबल पेरीविंकल इस तरह का नज़र आता है। अब हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। अगर हम इसके पेरेंट्स की बात करें तो स्पॉन्जेस वेरी इन शेप डिपेंडिंग ऑन वेयर दे लिव, तो इनकी शेप पे डिपेंड करता है स्पॉन्जेस की कि उन्होंने कहाँ पर रहना है। मोस्टली जो है वो रॉक इंट्रोटाइडल पर पाए जाते हैं और इनक्रस्टिंग, अब इनक्रस्टिंग किसको कहते हैं, इनक्रस्टिंग कहा जाता है कवर्ड विद हार्ड सर्फेस लेयर, यानी कि एक हार्ड सर्फेस लेयर के साथ कवर किया होता है, ठीक है। हार्ड सर्फेस लेयर होती है, सॉफ्ट होते हैं, अगर कलर की बात करें येलो टू पर्पल टू रेड टू ग्रीन इनका कलर होता है।
स्पॉन्जेस में लुक लाइक सिंपल प्लांट्स, स्पॉन्जेस जो है वो हमें सिंपल प्लांट्स की तरह के दिखाई देते हैं। अच्छा, प्लांट्स की अब बात आई है तो हमने जो पहले फ्रॉन्ट्स लफ्स पढ़ा है, फ्रॉन्ट्स भी हम लीफ को ही कहते हैं, यानी कि लीफलेट या लीफ, ठीक है, फ्रॉन्ट को कहते हैं। बट मैनी आर दिस सरप्राइज टू फाउंड आउट दे आर एनिमल्स। तो स्पॉन्जेस में हमें बिल्कुल एक पत्तों की तरह के दिखाई देते हैं, प्लांट्स की तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक सरप्राइज वाली बात है कि ये जो है टू फाइंड आउट दैट दे आर एनिमल्स, कि ये एनिमल्स हैं, दे आर नॉट प्लांट्स। दे आर रिलेटिवली सिंपल बट कैन ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइज डिपेंड ऑन वेयर दे लिव। ठीक है, सिंपल होते हैं और इनके शेप्स और साइज पे ये डिपेंड करता है कि उन्हें कहाँ पर रहना है। स्पॉन्जेस ग्रोइंग इन काम वाटर, ये काम वाटर पे रहते हैं, टेंड टू हैव मोर ट्यूब एंड वोल्केनो लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा इंटरटाइडल होवर दे विल ऑफन ग्रो वेरी फ्लैट ड्यू टू हाई सरफेस एक्शन। स्पॉन्जेस जो है ये क्या करते हैं, स्पॉन्जेस यूज मैनी टाइनी होल्स जिसको हम ओस्टिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइनी होल्स को इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, टू सक सी वाटर एंड शूट इट आउट लार्जर वोल्केनो ओपनिंग्स। ठीक है, वोल्केनो ओपनिंग्स को हम एस्क्यूला बोलते हैं। While the water is within the sponge, अगर तो पानी इन sponges में हो, it filters out all of the tiny organic particles like bacteria. तो जब पानी इनमें होता है तो वो उसको फिल्टर करते हैं, उसके जो tiny organic particles होते हैं उनको ये फिल्टर करते हैं वहाँ से, जैसे कि bacteria है, to feed and other nutrients needed for growth. और जैसे उनको ये इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, bacteria हो गए तो उनको ये अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओस्टिया पानी को सक करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे हमने बात की ओस्टिया की कि वो होल्स हैं जो सक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड शूट इट आउट लार्जर वोल्केनो ओपनिंग्स। इसके बाद एस्क्यूला है, एस्क्यूला उसमें कुछ लार्जर ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम एस्क्यूला बोलते हैं। आगे जाइंट ग्रीन एनिमोन है, ये बिल्कुल ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, जैसे ये आपको ग्रीन सा नज़र आ रहा है, एंड इट्स बिलोंग टू फाइलम नाइडेरिया। तो यहाँ पे अगर इसकी साइज़ की बात करें तो 12 इन डायमीटर एंड 12 टॉल। हैबिटेट की अगर बात करें तो टाइड पूल्स, रॉकी शोर्स में ये रहते हैं। डेप्थ इसकी 15 हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अपीयरेंस क्या है कि डार्क ऑली ब्राउन कलर है, ब्राइट ग्रीन ऑरल डिस्क है इसमें, बिल्कुल ब्राइट ग्रीन ऑरल डिस्क है, और इसमें टेंटिकल्स भी है, देखिए यहाँ पर इसकी टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं। दिस लार्ज सीमिंगली सॉलिटरी एनिमल, सॉलिटरी एनिमल है ज़्यादातर ये। उसके अलावा क्या है कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है इसमें विद ग्रीन एलजी। ठीक है, ग्रीन एलजी के साथ इसका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जो कि इसको कलर देता है। ठीक है, उसके साथ इसका रिलेशनशिप है, इसलिए ये दूसरे को फ़ायदा देते हैं, तो इसका भी ज़रा ग्रीन कलर आता है। द एलजी लिव इनसाइड द एनिमोन कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट गिवन ऑफ बाय द एनिमल्स। अब वो जो एलजी है वो एनिमोन कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजनस वेस्ट उसको कंज्यूम करती है। ठीक है, इन रिटर्न, और फिर द एलजी गिव ऑर्गेनिक कंपाउंड टू द एनिमोन फॉर इट्स ग्रोथ। और फिर वो जो एलजी है वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उन एनिमोन की ग्रोथ के लिए उनको देती है। ठीक है, वो रिटर्न में उनको आगे उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे ब्लैक ऑयस्टर कैचर की। तो ब्लैक ऑयस्टर कैचर बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा। इसके साइज़ की बात करें तो 18 हाइट है। हैबिटेट क्या है कि नॉन माइग्रेटरी रॉकी शोरबर्ड है। अपेरेंस की बात करें तो द लार्ज शोरबर्ड विद ब्लैक प्लमेज है, पिंक लेग्स हैं, रेड रिम्ड येलो आइज हैं। उसके अलावा लॉन्ग है, थिन है, ब्राइट ऑरेंज बिल है इसकी जो कि प्रे को पकड़ने के काम आती है। उसके अलावा जो है करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो हाई पिच्ड पर्सिंग कॉल है विच कैन ऑफन बी हियर अबव द नॉइस ऑफ दी सफ। तो ये पर्सिंग पर्स कॉल, ये चीज़ें हमने जब बर्ड्स का पोर्शन पढ़ा था उसमें हमने ये सारी चीज़ें, प्लमेज हो गया ये किसको कहते हैं, तो ये हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो ये इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखिए इसकी कलर आई का कैसा है, इसकी बीक कैसी है, उसके अलावा इसकी लेग्स कैसी हैं, ये ब्लैक प्लमेज है, तो ये हमें बिल्कुल इस तरह का ही दिखाई देता है। तो आज के लेक्चर में हमने जो है डिफरेंट जो शोर एनिमल्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। अब आपके नोट्स में कुछ एनिमल्स हैं जो कि नहीं है वो आप यहाँ से कर लें, जैसे ये ब्लैक ऑयस्टर कैचर नहीं है, उसमें स्पॉन्जेस भी नहीं है। उसके अलावा जो है हमने जो क्रैब के बारे में पढ़ा था वो भी नहीं है, मतलब तो काफ़ी इसमें एनिमल्स हैं जो कि नहीं है, तो वो आप लोग ऐसा करें यहाँ से कर लें। ठीक है, बाकी कुछ एनिमल्स हैं जो कि उसमें सारे दिए हुए हैं, लेकिन दो तीन एनिमल्स जो इसमें ऐड हैं तो वो आप लोग यहाँ से कर लीजिए।